अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग की दुआ है हम भी खैरियत से। आपके लिए नए नए वीडियो बना रहे हैं, मगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया और नए आने वाले दोस्त थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये लाजम ज़रूर है। आइए अभी हम वीडियो देखते हैं, हम भी देखेंगे, आप भी साथ में देखते रहिएगा और कमेंट लाजम कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चले आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो देखते हैं, इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलो आइए वीडियो की तरफ। 2021 मॉडल है हमारे पास, ब्लैक कलर, ब्लैक वाइट एंड वाइट। ब्लैक जो है वो इनसाइड रेड है और वाइट इनसाइड रेड है और एक वाइट इनसाइड रेड भी है, ब्लैक भी, सॉरी। अभी आपको थोड़ी गाड़ी के अंदर से रिव्यू करवाते हैं। देखिए इसके अंदर सेंसर है, सब टच करने से इन आउट हो जाते हैं। अभी आपको दोबारा कोना तो ओपन कर सकते हैं, गाड़ी की के साथ भी कर सकते हैं और इधर से भी हो जा रही है। गाड़ी में डोर शिफ्ट लगे हुए पहले तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्लोज हो जाते हैं। बम्स्टर स्पीकर है, बम्स्टर ब्रांड है स्पीकर का, वो इसमें लगे होते हैं। ये एबिनेट लाइट है, जो मर्ज़ी आप तकरीबन 500 अप कलर है इसमें, आप चेंज करवा सकते हैं, रेनबो कलर है कुछ भी। ये इनका लाइट का सिस्टम, ऑटो जिस तरह आप रखना चाहते हैं। ये गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये EQ टेक्नोलॉजी है इसमें, ज़्यादा नॉइजी नहीं है। ये देखें इसमें एबिनेट लाइट आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, जो कलर भी चाहिए। सामने आप कैमरा थोड़ा सामने आपको नज़र आ रहे थे जी। देखिए जो मर्जी है, रेनबो है, सारे रैंडमली लाइट है, वाइट है, देखो इधर कुछ वायलेट कलर का है, कुछ ग्रीन येलो, खुद ब खुद जो मर्जी, जो कलर आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। इसकी ये जो मेन्यू ने बहुत अच्छी बनाई है, सेम लाइक इस तरह डिज़ाइन मैंने पहले टेस्ला में देखा है। टेस्ला का डिस्प्ले इस तरह, अभी मर्सिडीज़ ने भी डिस्प्ले इस तरह कर लिए। ये आपको सामने जो है ना ग्लास में आपको स्पीड दिखा सकते हैं, आपको इसमें बहुत फुल स्क्रीन है इसका, वैसे गाड़ियों का सिर्फ स्पीड आता है, इसमें आपको सब कुछ नज़र आ सकता है, लाइट, स्पीड, सेंसर, सब कुछ आपको फ्रंट ग्लास में नज़र आ जाएगा। बेसिकली रात के वक्त बहुत अच्छे नज़र आते हैं, दिन को इतना अच्छा नहीं आता है नज़र, रात के लिए होते हैं बेसिकली। यहाँ पे वायरलेस चार्जर है इधर इस जगह में, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। चार्जिंग कनेक्ट हो गया, इधर आगे दो पोर्ट टाइप सी के लगे हुए हैं और इधर कुछ स्टोरेज है और दो टाइप सी के पोर्ट यहाँ पे हैं, सही। इसका डायमंड डिज़ाइन है, ये गार्नेट रोज कलर कुछ टाइप इसका नाम है, गार्नेट रोज, डार्क रोज भी बोलते हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी बनाई इस दफ़ा। ये सनरूफ है और वो पैनोरामिक है। इस तरह आप सनरूफ का अगर आप चाहिए तो सनरूफ का अगर कहीं तो बना वाले यूज़ कर सकते हैं।
पीछे से क्या डिफरेंट आया हुआ इसमें? इधर टेबलेट आता है, इधर ये डिज़ाइन बाकी सारा फ्रंट इसका सेम ही बना है, और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है क्योंकि लग्जरी गाड़ी में आता है। लग्जरी ये देखें इस जगह में, इधर कंट्रोल करने के लिए आईपैड आता है जिसको आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं मल्टीमीडिया को यहाँ से। ये यहाँ फिर इन्होंने दो पोर्ट दिए हुए टाइप सी के चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे दो HDMI पोर्ट है और दो टाइप सी गेमिंग के लिए, और प्लेस्टेशन लाइक प्लेस्टेशन आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली हम हमारे जबान में इसको फ्रिज बोलते होंगे, मगर ये उन्होंने स्पेशली बनाया था शैम्पेन के लिए, जो होते हैं ना जो जर्मन अंग्रेज लोग हैं कुछ इस तरह, उनके लिए शैम्पेन के बोतल का साइज भी बना होता है इसमें, लार्ज साइज, वो बोलते हैं लार्ज साइज शैम्पेन का बोतल आएगा इसमें। मुझे तो पिलो बहुत पसंद है, पिलो तो जो इसके पिलो है बैक सीट के बहुत कम्फर्ट गाड़ी है, बहुत लग्जरी गाड़ी है। इसमें बैक सीट में स्पेशली आता है ये ग्लास में ब्लैक कलर का, हाँ सनशेड, देखिए सनशेड। ये वही जो कूल बॉक्स में आपको बताया, ये वही चीज़ है, और इसमें गाड़ी का कुछ एक्सेसरीज इधर पड़ा हुआ है, ये बुकलेट पड़ा हुआ है, हैंड फ्री पड़ी हुई है, और ये जो टैबलेट की जगह मैंने आपको बताया इसमें सैमसंग का टैबलेट आता है कंट्रोल करने के लिए। हाँ एस क्लास में किसी भी S63 में S5 में S560 में किसी में भी स्पेयर टायर नहीं आता है, स्पेयर टायर नहीं होता है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक वो हवा का सिस्टम होता है जो कि अगर कम होते तो खुद ब खुद ही डलवा लेता है गाड़ी अपने हिसाब से। इसी तरह हमारे पास वाइट भी है, इसका दूसरा सीट दोनों बैक सीट दोनों सेम होते हैं। अगर ये वाइट थोड़ी दिखा दें थोड़ी सी, डिज़ाइन चेंज कर दिया है, पता है कि उसमें टेबलेट था नहीं क्योंकि उसका पैक ही है, और इसमें ओपन पड़ा हुआ है देखिए सैमसंग का टेबलेट इसमें पड़ा होता है मल्टीमीडिया कंट्रोल करने के लिए, मर्सिडीज बेंज AMG। दोनों इंटीरियर सेम है, और आउट कलर जो है वो ब्लैक एंड वाइट है, हमारे पास एक ब्लैक भी एक वाइट है, तो दोनों सेम गाड़ी है, दोनों सेम गाड़ी है, सेम इंजन है। इसके लाइट पे इन्होंने बहुत फोकस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, आप करीब करके आप देख सकते हैं इसमें जो तो इसका तो आप एंड में इसमें क्या बोलना चाहेंगे? यार मेरी उर्दू भी शायद कमज़ोर है, और ना इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वीडियो अच्छी तरह बना सकता हूँ, तो हूँ खैर अब पुख्तों के तो हम रो रहा दम रहा लगा खैर का समाज से अल्फाज सगलत ही या मतलब सब उर्दू में सगलत है सगलत अल्फाज में वे नहीं पकी वगैरह पार माजरत को जरूर दे वही चैनल चीन व्लॉग्स दा सब्सक्राइब कर और लाइक पे कहो या कमेंट होता कहो जरूर नई नई वीडियो कहें जरा जोड़ाई नहीं मेहनत के इधर था मेहनत चितले सीधा मिला उसी फल मिला उर्दू क्यों होता हुआ है। और ये वही भाई हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, मैं तो कभी कभी इनके साथ आ जाता हूँ वरना ये अकेले खुद सब कुछ करते हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, इनको लाइक करें और कमेंट भी कर दिए करें ताकि आपके लिए और भी वीडियोज़ बना सकें। तो वही भाई इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह एक गाड़ी और बाकी है, दो गाड़ी बाकी है आने वाली है इंशाल्लाह, एक उसमें बेंटली है और एक एस क्लास है, इंटीरियर ब्लैक है उसका, तो इंशाल्लाह वो रिव्यू भी करवाएंगे इनको, और बस अपना ख्याल रखिएगा और सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिएगा हमारे चैनल को और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।